हेलो गाइस, आज फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो एक फेवर हॉब कैसे रिपेयर करना है उसी के बारे में है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको जो दिखने मिलेगा वो इसका जो जनरेटर है वो कैसे लगाया जाता है, ठीक है, और जनरेटर कहाँ पर लगाया जाता है, और ये जनरेटर जो है वो जनरेटर अगर आपका मान लीजिए ख़राब हो गया तो आपका हॉब काम नहीं करेगा, मतलब इसका जो ऑटो इग्निशन वो काम नहीं करेगा, और एक जनरेटर के माध्यम से पूरा हॉब काम करता है। देखिए स्पार्किंग प्लग, जिस स्पार्किंग प्लग जो स्पार्क होता है वो इसी के माध्यम से होता है, जो एक जनरेटर के माध्यम से पूरा हॉब काम करता है। मेन जो मशीन है वो जनरेटर ही है, वहाँ से ही पूरा करंट सब जगह में दिया जाता है, ठीक है। तो वो नहीं रहेगा तो आपका स्पार्क पूरा काम नहीं करेगा, ठीक है, ऑटो इग्निशन पूरा काम नहीं करेगा। तो कैसे लगाया जाता है और एक एक फंक्शन देखिए वहाँ पर कैसे क्या कनेक्शन किया गया है, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पूरा दिखा रहे हैं। तो आपको एक हॉब अगर रिपेयर करना है तो कैसे करना है, आप लोग इस चैनल का जो वीडियो है ये सब देख के आप लोग उसे ठीक कर सकते हैं। देखिए इसका एक जनरेटर है तो इसको कैसे लगाना है इस हॉब में, ठीक है, आप लोगों को लाइव हम अभी दिखाएंगे। इस वीडियो के एंड तक देखिएगा तभी पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है इसका जो गैस पाइप जहाँ पर लगता है वो नीचे तरफ है आपका, देखिए वहाँ पर है। और इसका किसी भी हॉब का मॉडल और सीरियल नंबर के लिए उसका बकायदा एक तो स्टिकर चिपका हुआ रहता है। तो देखिए इसका नीचे में इसका इस मॉडल का सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर चिपका हुआ है, ठीक है। और क्या नाम है, फ्यूशन 723 CRX BK, ठीक है। तो एक फ्यूशन हॉब है फेवर का। तो देखिए जनरेटर इसका लगाया जा रहा है, एकदम सिंपल है इसको लगाने में। देखिए चार तो टोटल तार होगा, इसको सिर्फ एक एक करके आपको सही जगह में घुसाना है। देखिए ब्लू ब्लू कलर का उस साइड में तीन ठो ब्लू कलर घुस गया है, बस एक ठो सिर्फ बाकी है, उसको कैसे लगाएंगे वो थोड़ा सा आप लोगों को हम अभी दिखा देते हैं। एक बार में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो दोबारा सही से दिखिएगा, ठीक है। तो जो भी टेक्नीशियन मतलब है, जो भी इस फील्ड में नए लोग नए टेक्नीशियन अभी है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और इसी चैनल का वीडियो देखते रहिए, तो आगे भी आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलता रहेगा और आप लोगों को फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि आप लोग अगर टेक्नीशियन है और इस फील्ड में है और जो भी आप मतलब जो भी व्यूअर्स इस ये वाला हॉब को लिए हैं, आप लोग अगर खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद से ही देखिए कर सकते हैं एक जनरेटर लगाने में। देखिए कुछ फंक्शन तो है ही नहीं, ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है, तो क्या क्या करना है देखिए एकदम इजी है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो खुद से ही कर सकते हैं, टेक्नीशियन बुला के 700-800 रुपया देने का कोई ज़रूरत ही नहीं, बस आप पार्ट्स खरीद लीजिएगा। और पार्ट्स का प्राइस और पार्ट्स कहाँ से मिलेगा वो भी इस चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, बस कमेंट में जो भी क्वेरी रहेगा आप कीजिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। देखिए एकदम तीन तो स्क्रू है, बस उसको इस साइड से लगा देना है, एकदम सिंपल। हॉब बोलिए चाहे चिमनी बोलिए कोई भी चीज़ आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। रिपेयरिंग कैसे किया जाता है सब कुछ देखिए, तीन तो स्क्रू है, इसको कैसे लगाया जाता है दिखा देते हैं। लास्ट वाला जो था यही मेन इसका कनेक्शन है, ये आपने घुसा दिया, टोटल चार ठो तार इसमें घुस गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक फ्यूशन का हॉब है और ये लास्ट में एक पांचवा, मतलब जो जो खुला हुआ था वो सब कुछ इसका जो एक एक पॉइंट है तो उस पॉइंट में आपका घुस जाएगा। तो एक एक पॉइंट कहाँ कहाँ का घुसाया जाता है ये उसी प्रकार आप लोग कनेक्शन कीजिएगा, उल्टा पुल्टा मत कीजिएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा काम करेगा, नॉब उल्टा बायां साइड का नॉब दायां साइड का काम करेगा, दायां साइड में नॉब बायां साइड में काम करेगा, तो आपको वो सब ध्यान में रखना है।
उसके बाद इस प्रकार से आपको हब लगा देना है। इस देखिए यहाँ पर जो कनेक्टर सब लगाया गया है एक एक नॉब के पाम बगल में, तो ये सब अगर ख़राब हो जाता है तो इसमें एक प्रॉब्लम आता है। इसमें ये एक प्रॉब्लम जो आता है वो आपका, जब आप नॉब को घुमाएंगे मतलब स्टार्ट करेंगे तो बॉटम आपका जो ऑटो इग्निशन वाला ऑप्शन है वो पूरा फायर करते रहेगा और बॉडी पूरा आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो जब भी आप इस हब का बॉडी टच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर करंट लगेगा, तो वो जब ख़राब हो जाता है तो इस प्रकार का उसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद इस हब को कैसे लगाया जाता है। तो पहले तो आपको नॉब सब लगा देना है, ग्लास को रख के उसके बाद उसका नॉब जो है उसको लगा देना है। उसके बाद आपको ऊपर से उसका जो है प्लेट वगैरह है वो सब कुछ लगाना है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसका खोलने का भी प्रोसेस और इसको लगाने का भी प्रोसेस। देखिए पहले तो एकदम ग्लास लगा दिया ना, उसके बाद अपन नॉब लगा दे, उसके बाद ये सब जो है प्लेट में रबार लगा के उसके बाद आप एक एक करके सबको बस बिठा देना। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहे हैं उस हिसाब से आपको स्क्रू लगा देना है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, आप किसी भी हब खोल सकते हैं, कोई पूरा खोल सकते हैं। और हब के अंदर ज़्यादा कुछ फंक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो आप उन्हें लाइव अभी देख लिया है। ये देखिए स्क्रू बस लगा के बस इसका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप चला के यूज़ कीजिएगा। तो ये हो गया इसका पूरा वीडियो। तो इसी प्रकार का आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, आने वाला वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल नोटिफिकेशन जो है ऑल बोल का ऑप्शन उसको कीजिएगा, तो फिर आपको आगे का इन्फॉर्मेशन वीडियो वाला आएगा। ठीक है।